और एक्चुअली आज किसी को पता नहीं है कि हमारा एनिवर्सरी है और बहुत कम लोगों ने कॉल करके विश किया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज कुछ अच्छा स्पेशल डे है। क्या डे है? अब बताओ क्या डे है? आज है। आज क्या डे है? शादी सालगिरह है सम्मा अविनाश की। ये आज मेरा शादी सालगिरह है और इनका भी शादी सालगिरह है बाय डिफॉल्ट। झेपड़ी को दिखा। तो सासू माँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज 3 साल हो गए तेरा तुम लोग का शादी। तो लॉकडाउन हो गया है तो कुछ करते नहीं होता। लॉकडाउन हर साल हो रहा है शादी सालगिरह में। हाँ ठीक से मना भी बाहर से खाने भी नहीं मिलता। और मेरा व्लॉग सब देखते हो? कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट करने नहीं जानते। अरे सिखा दूंगा मैं अब। ठीक है। अच्छा अगर कमेंट करना होता तो क्या कमेंट करते? कमेंट देख के नहीं, वीडियो देख के। हाँ आज तो स्पेशल डे है। आज स्पेशल हो जाए। आज क्या स्पेशल होगा सम्मा? तो उसके साइड से स्पेशल ये है कि केक बनाएंगी और हमारे साइड से स्पेशल ये रहेगा कि हम केक खाएंगे। तो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? और फिलहाल दिन भर में ऐसा कुछ व्लॉग किया नहीं क्योंकि दिन भर में काम कर रहा था और अभी मैं आया हूँ अपने आसमा वाले घर में। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बहुत साफ़ सफाई चल रहा है और ये बेडशीट चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग नहीं आने वाले हैं। हम लोग बहुत दिन से हेमूनगर में रह रहे हैं। सब अंकिता बुलाइए। आपके लिप्स इतना चमक क्यों रहे हैं? बाप रे, खूनी लिप्स। मेरे ब्लॉग में आने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप? देखो अरे आज एनिवर्सरी है तो मतलब इतने चमको क्या? इतना भी क्या, बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन जो हल्का रहता है ना वो ठीक रहता है, बहुत ज्यादा ही वो हो गया है। प्लीज कमेंट करके बताइए इनका लिपस्टिक कैसा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है मेरे को तो। प्लीज चेंज करो। तो एक्चुअली वो ठीक था लेकिन वो थोड़ा सा हेवी मेकअप में वो अच्छा लगता। अभी क्या है कि लाइट लाइट और कैजुअल हो ना तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। ठीक है तो उसको थोड़ा सा कम कर लेना। तो गाइज हम उसका अच्छा लुक दिखाएंगे आपको लेकिन अभी वो बहुत गंदा लग रहा है। हाँ ठीक है तो वो चेंज करेंगे फिर मैं दिखाऊंगा। मतलब उनका जो लिप्स लिपस्टिक और है तो वो दूसरा वाला लगवाता हूँ मैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है सच में वो अजीब सा मतलब अच्छा है वो भी लेकिन वो हैवी मेकअप के साथ अच्छा लगता है। और आपको बड़ा नॉलेज है इसका? तो भाई अपनी लाइफ है ही ऐसी कि खूबसूरत चीज़ों को पहचानने की, प्रोफेशन ही ऐसा है ना। और एक सबसे खूबसूरत चीज़ तो मैं लेके आ गया हूँ घर। लाइन मार रहा हूँ, ये लाइन काट दूंगा, मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं। और अंकिता बुलाई है। एक्चुअली उनका ना वेडिंग किया हुआ था मैंने, तो उनका कुछ कुछ डाटा वगैरह देना है, एल्बम वगैरह देना है, तो वो देते हुए जाएंगे। मैंने बोला कि मैं बाहर से ही देते हुए जाऊंगा लेकिन उसने कहा कि भैया 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप अंदर आना। क्या पता कंबल ढक के बहुत मारेगी वो, पता नहीं क्या सरप्राइज है, जाके दिखाऊंगा मैं। आज उनको भी ब्लॉग में लेता हूँ। ठीक है तो अगर अंकिता भी आप देख रहे हो ब्लॉग तो आने वाले टाइम पर आप भी आ रहे हो। तो आज का प्लान ऐसा है कि मैं घर जाके जल्दी ही सो जाऊंगा क्योंकि रात को मेरे को 2-3 बजे अंबिकापुर के लिए निकलना है। हालांकि अभी सभी जगह लॉकडाउन है और मैं अंबिकापुर क्यों जा रहा हूँ ये तो सोच रहे होंगे आप, है ना। एक्चुअली एक वेडिंग है अंबिकापुर में तो उसके लिए जा रहा हूँ। शूट है 2 दिन का है बस, मतलब 10-10 लोग रहेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। सोच तो रहा हूँ कि 10-10 लोग ही रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और इस बार अंबिकापुर जाऊँगा तो किसी से मिल तो पाऊँगा नहीं, बट ठीक है। और बिन्नी का मोबाइल देना है सम्मा? बिन्नी का मोबाइल मेरे पास है तो बिन्नी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ दिन बाद मैं आपका फ़ोन वापस करूँगा, थोड़ा सा चमका के वापस करूँगा। एक्चुअली मेरा फ़ोन अभी 15 दिन के लिए ना कोविड सेंटर चला गया था गलती से, तो वहाँ से वो फ़ोन वापस निकल नहीं रहा था। तो वहाँ के जो नर्सेस हैं उन्होंने कहा कि एक बार फ़ोन अंदर चला जाता है तो 15 दिन के बाद निकलता है, तो फिर मेरे पास फ़ोन था नहीं। तो थैंक यू सो मच बिन्नी कि आपने फ़ोन मुझे भेजा, लेकिन अभी आपको अगर काम नहीं है तो कुछ दिन और रखना चाहता हूँ मैं। और फिर आराम से देंगे, आराम से मिलेंगे, अभी तो कोविड भी हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो
तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड है जो टाइम आने पे काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। ओके, तो घर में घूम घूम के मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरा घर है, यहाँ हम रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों से यहाँ रह ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग हेमूनगर में रह रहे हैं जो कि मेरा ससुराल है। एक्चुअली ये पूरा रूम वूम पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ रह नहीं रहे हैं इसीलिए बिखरा पड़ा है, और हम लोग रहते हैं तो इससे ज़्यादा बिखरा रहता है। ठीक है, तो आखिर सच क्या है सम्मा, बिन्नी का फ़ोन क्यों नहीं लौटा रहे हो आप? बताओ बताओ, बिन्नी का फ़ोन क्यों नहीं लौटा रहे हो? मम्मी के मोबाइल ख़राब हो गए तो वो रखी हैं। अच्छा, मम्मी यूज़ कर रही हैं। ठीक है बिन्नी, थैंक यू बोल दो बिन्नी को। थैंक यू। और बिन्नी आज किसी, हाँ, और एक्चुअली आज किसी को पता नहीं है कि हमारा एनिवर्सरी है, और बहुत कम लोगों ने कॉल करके विश किया है। उसमें विशाल पहले नंबर पर, पहले नंबर पर कुसुम है, मेरी फ्रेंड है, कुसुम से भी बहुत जल्दी मिलाऊँगा जब मैं गाँव जाऊँगा, तो जशपुर में रहती है। और उसके बाद विशाल, विशाल के बाद और कौन कॉल किया है? और ये हमारे इथन का कबर्ड है जो कि अभी अरेंज नहीं है, जो कि कुछ भी, हाँ उतना ठीक ही है, इतना अरेंज काफ़ी है। हाँ, और इसके जितने भी कपड़े हैं सब छोटे हो गए हैं, अब नए लेने पड़ेंगे लॉकडाउन के बाद, सब उसके लिए नया लेना पड़ेगा, सारे छोटे कपड़े हो गए। अगर आपके यहाँ कोई नया मेहमान आ रहा है या आने वाला है इसी साल, तो प्लीज़ आप संपर्क कर सकते हैं, ये कबर्ड के अंदर जो कपड़े हैं वो हम उन्हें दे सकते हैं, एक साल के बच्चे के लिए है। आपको मैं अपनी बाइक से मिलाना चाहता हूँ, ये मेरी बाइक है। एक्चुअली अभी जून जुलाई में मोटो ब्लॉगिंग का सोचा हूँ, देखो अगर सब चीज़ सही रहा तो हम लोग मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल में आपको मोटो ब्लॉगिंग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी कोविड है तो घर पर ही रहो। और इस गाड़ी के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, किडनैपिंग गाड़ी है, तो अभी वो प्लान थोड़ा सा कोविड के चक्कर में रुक गया है। बाकी इस गाड़ी के मज़े भी अपन दिखाएंगे कभी, इस गाड़ी को भी कभी यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छे कंडीशन में है, मज़ा आता है इसको ड्राइव करने में, एकदम किडनैपिंग गाड़ी है, और जो चलाया होगा उसको तो पता ही होगा। तो ये था इनका सरप्राइज, चिकन चिली बना के रखा है इन्होंने, और थैंक यू सो मच आज के दिन हमको चिकन चिली खिलाने के लिए। अंकिता, थैंक यू सो मच चिकन चिली के लिए, और श्वेता के लिए भी। नेक्स्ट टाइम आपका, आपके हाथ का क्या था, मोमोज खाने आऊँगा और मोमोज की रेसिपी चुरा के जाऊँगा यहाँ से, ठीक है? और एक बात बताना है, आज ना हम लोग को इतने अच्छे दिन पे ना आप लोग चिकन चिली खिलाए हो, आज ना हम लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है। थैंक यू। हाँ, तो काफ़ी अच्छे दिन पे हम लोग को ये सब ट्रीट मिला है, काफ़ी स्पेशल फील कर रहे हैं। तो शम्मा, आज हमारी एनिवर्सरी है, तो कुछ मेरे बारे में कुछ बोलो, एज अ हस्बैंड कैसा हूँ मैं? एज अ हस्बैंड अच्छे हो, वो तो मुझे पता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छे से भी कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा अलग, यूनिक हूँ या अलग हूँ या अच्छा हूँ? काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हो, कुछ कुछ में नहीं करते हो, लेकिन वो तो ठीक है चलता है, पर बहुत सारी चीज़ों में करते हो, काफ़ी चीज़ों में मुझे फ्रीडम मिली है। तो अच्छा लगता है, सही जगह शादी करी हूँ। और साथे रहते हो और अच्छी बात है, खुश रहती हो, और क्या चाहिए, और बुरी बात बहुत ही खर्चीले हो। इसको मैं काट दूंगा, बिल्कुल भी सेविंग करना नहीं आता इनको। एक्चुअली अभी जो लास्ट 3 साल थे हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, ऐसा था कि हम लोग बहुत कम ही ऐसे हस्बैंड वाइफ टाइप का रहे हैं। ये भी है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मतलब दोस्त टाइप का ही हंसते खेलते लाइफ चल रहा है हमारा, बस कहीं कहीं चीज़ों पे ऐसा रहता है कि हाँ मतलब वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड वाइफ वाला जो रिस्पेक्ट होता है वो हम लोग को देना पड़ता है, और हम लोग देते भी हैं। और कहीं कहीं पे ज़्यादातर तो यही होता है कि हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड ही हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं इनको परेशान करता रहता हूँ, मैं तो बहुत ही परेशान करते रहता हूँ,
हाँ। तो अब मेरे जीवन में है ही कौन, लॉकडाउन भी लगा है तो यही है ना, तो इन्हीं को परेशान करता हूँ। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है, मैं खुद बोलता हूँ हाँ। कि क्या मैं कैमरे, क्या मैं रियल लाइफ और कैमरे वाली लाइफ दोनों सेम हूँ या अलग अलग हूँ? सेम है, सेम हो ना? हाँ, सुन लिया आप लोगों ने, मैं सेम हूँ। मैं इधर अभी जिस तरह से बात करता हूँ, जिस तरह से हंसता मुस्कुराता हूँ, जिस तरह से दिखता हूँ, वैसे रियल में भी हूँ, ठीक है। एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर, मुझे आगे करना चाहिए? जरूर, बस यही सबसे पहला सपोर्ट इन्हीं का है, नहीं तो मैं ऐसे ब्लॉगिंग में कभी स्टार्ट नहीं करता। और एक घर पे भी ब्लॉगिंग मैं ही करवा रही हूँ? नहीं, वो सासू माँ करवा रही है। हाँ, ये कि हम लोग एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। मैं तो बहुत छुपाता हूँ, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ रहता नहीं है। और मेरे पास इतना कुछ रहता है बताने के लिए कि मैं सारा चीज नहीं बताता हूँ। तो वैसे बहुत सारी चीजें बताते भी, बहुत कुछ नहीं बताते, बाद में पूछती हूँ, मैं उगलवाती हूँ इसे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब मैं दुनिया से बाहर, मतलब घर से बाहर निकलता हूँ, दुनिया में घूमता हूँ, और ऐसा है ना कि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ मेरे नए फ्रेंड्स बनते ही हैं। नए फ्रेंड ले लो या फिर जो भी है, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। अब हर किसी के बारे में मैं इनको बताऊंगा तो ये खुद भी बोर हो जाएंगी और आधा दिन के सिर के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए जितना ज़रूरी है उतना ही मैं बता पाता हूँ, बाकी हम लोग काफ़ी कुछ बताते हैं, शेयर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं हम दोनों एक दूसरे को। और एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फैमिली वाले भी बहुत लोग देखते हैं और फोन आते हैं सासू माँ के पास, बोलते हैं कि दामाद वीडियो कब डाल रहा है। तो मम्मी के स्टाफ वाले हैं, मम्मी मेरी प्रिंसिपल है, तो उनके साथ में जो टीचर है सब बोलते हैं और आपका दामाद और वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, इतने दिन हो गया करके। इतने फेमस है ये, इतना फेमस भी नहीं हो बट अच्छा लगता है, कुछ एक दो लोग पूछ लेते हैं तो बस आने वाले टाइम पे अच्छा अच्छा काम करेंगे, अच्छा अच्छा वीडियो डालेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, उसका भी वीडियो डालेंगे। और हम लोग बोर भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये भी बहुत बोरिंग है, बहुत बोर कर देती है मेरे को, बट मैं मतलब बहुत परेशान कर देता हूँ ये। कोरियन ड्रामा बहुत देखती है तो मैं घर पे बस कुछ करने को रहता नहीं है। और मोहित ऑनलाइन कुछ करने को रहता है, मेरे पास पबजी खेलने का रहता है, लेकिन मोहित ऑनलाइन नहीं आता है तो मैं क्या करूँ, फिर मैं इन्हीं को परेशान करता हूँ, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। एक्चुअली मेरा आधा काम मोबाइल से ही होता है, तो मोबाइल में तो चिपकना पड़ेगा ना। वो बहाना, जाके देखो तो यूट्यूब देख रहे हो। कसमे वादे करना चाहो कि आप करो तो, आप बड़े रोमांटिक होते हो। अरे रोमांटिक ठीक है, तो अभी समय है, रोमांटिक इन द सेंस बहुत फिल्मी है। हाँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा फिल्मी हूँ, तो अब एनिवर्सरी है तो कुछ दे तो नहीं पा रहा हूँ, बट कुछ कमिटमेंट कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि कम खर्चीला बनूँ, सेविंग करूँ, सबसे पहले ईथन के लिए, उसके बाद फिर हमारी फैमिली के लिए, उसके बाद जो मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनके लिए, तो बस ये सारी चीज़ों को फोकस करूँगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मुझे जॉब में वापस लगेंगे, मेरे कंधों का बोझ थोड़ा सा कम होगा। अच्छा। अभी जैसे बहुत, हाँ तो अभी बहुत है ना यार, बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं जॉब में रहती तो इनको बहुत फ्रीडम रहती है, इनको ऐसा लगता है कि वो जो कमा रहे हैं ना सारा पैसा, वो सारा पैसा मैं ही उड़ाऊंगा, और प्लस जो मैं कमा रही हूँ वो पैसा भी इनका, वो भी मैं उड़ाऊंगा, ऐसा ये सोच के रखते हैं और करते भी हैं। हाँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी बहुत खर्चा कर लिए हैं, अभी ईथन के लिए सोचेंगे। और क्या, एक गाना गाना एक्चुअली yes. मेरा फेवरेट है वो गाने वाला था, लेकिन उसके अलावा एक और गाना है उसको मैं गाना चाहूंगा, ठीक है? जरूर। तो इरशाद गाने के लिए, इरशाद नहीं होता, वो शायरी के लिए होता है। सॉरी, याद आ रहा है ना, वो वीडियो याद आ रहा है गाने का, लेकिन कौन है उस लिरिक्स याद नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा पुराना है उसका, हीरो के नाम भी याद नहीं आ रहे। प्लीज मेरे सुर ताल पे ध्यान मत देना, ओके, मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गाना गाने जा रहा हूँ। तो मैं गाने भी बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, बस नहीं अच्छा गाते हैं, नहीं गाता हूँ। हाँ, मतलब उतना ही पूरा नहीं गाते हैं कि अच्छा ना लगे। ठीक है, मैं गाना गाता हूँ इनके लिए। जब कोई बात
पड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब। और मुझे लिरिक्स भी बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, मेरे को गाने के बाद दो लाइन याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। तो फिलहाल अभी व्लॉग का एंड करते हैं, अभी घर जाके हम लोग केक वेक काटेंगे और प्रेयर करेंगे, उसके बाद केक काटेंगे, फिर खाना खा के सो जाएंगे और मेरे को जल्दी सोना है आज। तो फिलहाल व्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, और आज का हमारा दिन वैसे उतना स्पेशल नहीं था, नहीं था, बट हम लोग स्पेशल फील कर रहे हैं कि तीन साल हो गए इस चीज़ को, तीन साल हो गए हमारी शादी को, आज ही के दिन हम लोग शादी किए थे, और अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे हमारा रिसेप्शन स्टार्ट हो रहा था। तो अच्छा है, बट सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका दुख है क्योंकि लॉकडाउन है। तो इट्स ओके, होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी इतने कठिन समय में भी हम लोग साथ में हैं, उसमें उसकी खुशी है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में विश कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, बाय, ब्लॉग एंड करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो किए ही होंगे तभी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हो ना, मतलब अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ सजेशन देना है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पे भी हम चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। बस हम लोग घर आए, घर आने के बाद तो केक वेक काटे, बाकी ऐसा कुछ बड़ा सेलिब्रेशन कुछ नहीं हुआ है, बाकी हम लोग मन से काफ़ी सेलिब्रेट किए आज के दिन को। और इथन भी अभी तक जगा हुआ है, बाय कर दो बेटा। चलो ठीक है, बाय कर दो एक बार। हाँ, तो सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू सो मच आज का ब्लॉग देखने के लिए, और कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। कल मैं जा रहा हूँ अंबिकापुर लॉकडाउन में, तो रास्ते में पता नहीं कैसा सीन रहेगा, बट कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। ठीक है, तो ठीक है, गुड नाइट आप सभी लोगों को, और एक बार फिर थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और कमेंट पर शायद आप लोग मुझे विश भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। चलो बाय बाय, गुड नाइट।